बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल वी ट्रिपल एफ की वीडियो से काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच सकें और वो भी मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो GDB आया हुआ है उसके ऊपर है। तो आइए हम लोग GDB देखते हैं। GDB की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया, उसमें दिया हुआ है कि पेप्सी कंपनी वाज एस्टैब्लिश थ्रू मर्जर ऑफ पेप्सी कोला एंड फ्रिटोलेज, वेयर एज पेप्सी कोला वाज क्रिएटेड इन लेट 1890 बाई कैलिब ब्रेदम। पेप्सी कोला इज अमंग द टॉप मच बीवरेज ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड विच इज एक्सीडिंगली कंज्यूम्ड एंड ग्रेटली लाइक्ड बाय द किड्स, यूथ एंड एल्डर्स एक्सेट्रा। इसमें हमें पेप्सी कोला कंपनी के बारे में बताया गया है और बताया गया कि ये भी दो कंपनियों का मर्जर है और 1890 में ये बनी और ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फेमस है बिवरेज के हवाले से। और इसके जो बिवरेज है और जो बोतल है या जितने भी इसके मशरूब हैं उनको बच्चे भी, जवान भी और बूढ़े भी जो हैं बड़े पसंद करते हैं। वेरी रिसेंटली पेप्सी कोला पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड अ वंडरफुल एंड चेयरफुल इवनिंग इवेंट एट द सॉफ्ट चिल्ड्रन विलेज इन द लाहौर एज अ पार्ट ऑफ लाइटनिंग अप लाइफ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपेन। Volunteers from PepsiCola Pakistan took a part in organizing that event very actively and professionally. The basic aim of this campaign was to bring the gift of light through solar-powered LED lamp installed in Pepsi bottle to serve the needy communities across the Pakistan. There were several activities conducted in this event which were organized by volunteers, including an art competition in which 70 resident children of the village took a part. The basic aim of this campaign was to encourage creativity and appreciate the children's innovative and artistic skills. The children created fantastic sketches using Pepsi Cola bottles and the top 3 scores were awarded with the different prizes. The senior management of Pepsi Cola Soft Children Village Foundation and the volunteer team for the Lightning Up Life campaign attend this remarkable event. Khuram Shah, head corporate affairs of Pepsi Cola, commend the children and their enthusiasm and high spirit. दोस्तों, ये हमें एक केस किया गया, इसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम लाइटिंग अप लाइव है। लाहौर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, 100 एक बच्चों की प्लेस है वहाँ पे ये इवेंट हुआ है। बहुत सारी इसके अंदर एक्टिविटीज़ की गई है, उसमें बच्चों से स्केचेस भी बनवाए गए हैं और बाकी चीज़ें भी, और जो टॉप 3 मतलब स्कोर्स वाले बच्चे थे उनको अवार्ड भी दिए गए हैं। तो ये हमें एक सिनेरियो दिया गया जो मैंने आपके सामने रीड किया है। अब हमने इसका करना क्या, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, आफ्टर रीडिंग द अबव सिनेरियो हमने ये जो अभी सिनेरियो पढ़ा है, विच बेनिफिट यू थिंक पेप्सी कोला वुड हैव अचीव दस बाय इंगेजिंग इटसेल्फ इनटू द सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एटलीस्ट 5 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट योर डिस्कशन। हमने ये बताना है कि इससे जो है पेप्सी कोला कौन से 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको अचीव करना चाहती है और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताना। दोस्तों, ये हमारा केस है और हमने इसके 5 बेनिफिट बताने हैं पेप्सी कोला के हवाले से कि किस लिए वो इवेंट कंडक्ट हुआ। इसका सोल्यूशन कुछ ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट लिख दिए हैं, मैं बारी बारी करके इन पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो हमने 5 करने हैं, आप इसमें से कोई से 5 चुन लें
और उसके ऊपर अपनी मर्जी से जो आपको समझ आता है उसको एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट पॉइंट है फेमस देयर ब्रांड। द बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट इज द पेप्सिकोला वांट्स टू इंट्रोड्यूस देयर ब्रांड इनटू लार्ज पब्लिक, कि वो अपना जो ब्रांड है पेप्सिकोला उसको फेमिलियर करवाना चाहती थी लार्ज पब। ऑलरेडी भी फेमिलियर है पेप्सिकोला का ब्रांड किड्स के अंदर भी और यंग एज जो पीपल हैं उनके अंदर भी और एल्डर पीपल्स के अंदर भी, लेकिन अगर कोई पेप्सिकोला ने नया मतलब प्रोडक्ट बनाया उसको भी वहाँ पे अवेयर करवाना था और अपना ब्रांड जो है वो और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करवाना था। ये उसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेप्सिकोला कंपनी इज द रेवेन्यूज। रेवेन्यूज मैंने इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि वो पेप्सिकोला जो है इसलिए भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है कि वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे। अब वो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, अब जब इतना बड़ा इवेंट होगा और वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं जहाँ पे लाखों लोग आएंगे, तो वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ जो है लोग वहाँ पे उनकी जो सेल है वो भी इंक्रीज होगी। जब उस कंपनी की सेल इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इट्स अफेक्ट द रेवेन्यू एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कंपनी का ला मोहल्ला प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने इसमें लिखा है अट्रैक्टिंग कस्टमर। जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जहाँ पे इतनी तादाद के अंदर बच्चे बूढ़े जवान सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट उस कंपेन से ये भी हो सकता है कि दे वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर फ्रॉम दिस इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज एट सॉफ चिल्ड्रन लाहौर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट हो सकता है उस कंपनी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स देम। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी उनकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी और ला माला उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे एज वेल एज मार्केट शेयर भी उनका इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन है, जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसमें एक कंपनी को बेनिफिट ये भी हो सकता है कि दे वांट टू क्रिएट अ बिग कंपटीशन इन द मार्केट कि नो बॉडी एंटर इनटू द दैट इंडस्ट्री, कि बिवरेज इंडस्ट्री के अंदर वो एक कंपटीशन शो करना चाह रहे हों कि और ये बताना चाह रहे हों कि वी आर अ बिग प्लेयर इन द मार्केट, कि हम बड़े प्लेयर हैं और वह मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो या मुकाबले जैसी सूरत है, ताकि नया जो बाहर से आने वाला कंपेटिटर है जो बिवरेज इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है टू इन्वेस्ट सम मनी, तो वो इस कंपटीशन को देखेगा तो वो कहेगा कि ऑलरेडी देयर इज़ अ बिग कंपटीशन इन द मार्केट सो दे नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री या मार्केट। नेक्स्ट जो है वो हमारा साउंड पोजीशन है कि कंपनी जो है वो अपनी एक साउंड पोजीशन बनाना चाह रही है मार्केट के अंदर सो दैट द इवेंट विल ऑर्गेनाइज, तो इस वजह से उन्होंने जो है ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट एक है कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर लॉयलिटी भी हासिल करना उस कंपनी का एक बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव हो सकता है फ्रॉम दिस इवेंट के जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। कंपनी कंपेटिटिव, कंपटीशन की तो हमने बात की है, अब कंपनी कंपेटिटिव आ गया कि कंपनी जो है कंपेटिटिव एज हासिल करना चाह रही है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो जैसे कोको कोला है दैट इज़ द कंपेटिटर ऑफ पेप्सी कोला, वो जो है अपना इस इवेंट के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देकर कंपनी के अंदर मतलब कंपेटिटिव एज हासिल करना चाह रही है, तो उसका एक ये बेनिफिट इस कंपेन का ये बेनिफिट भी हो सकता है। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड, ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो फेमस देयर ब्रांड और इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ देयर ब्रांड, तो ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते पॉइंट हैं, आप इनमें से कोई सा एक यूज़ कर सकते हो। डिवेलप ट्रस्ट, कि वो अपने ब्रांड के हवाले से लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि लोग जो हैं उनके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करें, कि जैसे हम कहते हैं कि जी आप नोकिया या सैमसंग का मोबाइल आंखें बंद करके ले लें बिकॉज दे आर ट्रस्टेड कंपनीज, के उन बैटरी टाइमिंग के हवाले से ट्रस्टेड हैं, आपकी पिक्चर क्वालिटी के हवाले से ट्रस्टेड हैं। तो पेप्सी कोला भी जो है उसका भी एक ये बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो इस कंपेन के ज़रिए या इस इवेंट के ज़रिए जो है वो लोगों के दरमियान ट्रस्ट अपनी कंपनी का डेवलप करना चाह रहे हैं। एक लास्ट जो पॉइंट है
वो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट है, इस कंपेन से एक उनको फ़ायदा ये भी हासिल हो सकता है कि वो जो है अपना एक न्यू जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकें इजीली। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट जीडीबी, सॉरी जीडीबी, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा ये कि किस सिनेरियो दिया हुआ था पेप्सी कोला के हवाले से। वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमने ये बताना था कि उसको कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये कंपनी कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकती है फ्रॉम दिस इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय पेप्सी कोला एट द फॉफ चिल्ड्रन लाहौर। तो मैंने ये 10 पॉइंट लिख दिए हैं, आप इन 10 पॉइंट्स को देखें, अपनी मर्ज़ी से इनमें से 5 सेलेक्ट करें और अपना आंसर तैयार कर लें। दोस्तों ये था हमारा जीडीबी, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है, आप मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो उन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।